हेलो फ्रेंड्स, सौम्याज किचन में आपका स्वागत है। आज बना रहे हैं पनीर की सब्जी, बहुत ही टेस्टी बनती है। इसके लिए प्याज को तलना है, तो मैंने ये हाफ कप के करीब ऑयल डाला है और दो प्याज को स्लाइस करके कट कर लिया है। जब तक ऑयल गर्म हो रहा है तो एक मिक्सी के जार में टमाटर को डालेंगे, दो लहसुन की कली को डालेंगे, अदरक डालेंगे 1 इंच के करीब और दो हरी मिर्च डालेंगे और दो ही टमाटर लिए मीडियम साइज़ के। इसका पेस्ट बनाना है और छान लेना है। तो ऑयल गर्म हो गया है, ऑयल में प्याज को डाल देंगे और मीडियम हीट पर प्याज को तल लेंगे। बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पे नहीं तलना है। और जो टमाटर का पेस्ट बनाया है ना, उसको छान लेंगे और जो थोड़ा मोटा मोटा सा टमाटर रह जाता है उसको दोबारा से पीस करके फिर से छान लेंगे। एकदम क्रीमी वाला टमाटर चाहिए, जो बीज वगैरह है उसको हटा देंगे इस तरीके से, आप देख सकते हैं। और प्याज को इस तरीके से चलाते हुए तल लेंगे। एकदम गुलाबी होनी चाहिए, एकदम काली नहीं होनी चाहिए, मतलब जलनी नहीं चाहिए, हल्की सी गुलाबी होनी चाहिए, तभी तक प्याज को तलना है। आप देख सकते हैं प्याज गुलाबी हो गई है। तो इस तरीके से झारे की सहायता से मैं निकाल ले रही हूँ और जो ऑयल होगा एक्स्ट्रा उसको इस तरीके से निचोड़ दे रही हूँ। और टिश्यू पेपर के ऊपर निकालेंगे, जो भी ऑयल होगा टिश्यू पेपर सोख लेगा। तो सभी प्याज को मैंने टिश्यू पेपर के ऊपर निकाल लिया है और थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे जिससे कि इसका पेस्ट बना सकें। तो प्याज जब तक ठंडी हो रही है तो उसी ऑयल, अभी ऑयल गर्म था तो मैंने गैस बंद कर दी थी, अब ऑयल में मैंने पनीर को डाल दिया है। तो इस तरीके से मैंने पीसेस काट लिए हैं, पनीर को हल्का सा गुलाबी कर लेंगे। गैस को फिर से मैंने ऑन कर दिया है और मीडियम टू स्लो फ्लेम पर पनीर को सेकना है और बिल्कुल हल्का सा गुलाबी करना है, बहुत ज़्यादा कलर नहीं करना है। इस तरीके से आप देख सकते हैं। और इसको भी टिश्यू पेपर के ऊपर निकालेंगे, जो ऑयल होगा वो टिश्यू पेपर सोख लेगा। अब प्याज ठंडी हो गई है, प्याज को एक मिक्सी के जार में डालेंगे और देख सकते हैं सारा ऑयल टिश्यू पेपर ने सोख लिया है। आधा कप दही लिया है, 10-12 काजू लिए हैं। अब इसका एक महीन पेस्ट बना लेंगे, थोड़ा सा अगर पानी की ज़रूरत होगी तो डाल लेंगे। अब देख सकते हैं इस तरीके से महीन पेस्ट बन करके तैयार हो गया है। मैंने ऑयल को निकाल दिया है। अब 2 टेबल स्पून के करीब घी डाला है, एक दालचीनी, 2 छोटी इलायची, लौंग, जीरा डाल करके हल्का सा भून लेंगे। फिर जो टमाटर की प्यूरी बनाई है उसको डाल देंगे, डाल करके मिक्स करेंगे। थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, थोड़ा सा हल्दी पाउडर डालेंगे, धनिया पाउडर डालेंगे और थोड़ा सा भुना जीरा डालेंगे। अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे, इस तरीके से मिक्स करते हुए पका लेंगे जिससे कि घी थोड़ा ऊपर की तरफ आ जाए। नमक डालेंगे टेस्ट के अनुसार, बाद में अगर कम लगेगा नमक तो और डाल देंगे। इस तरीके से आप देख सकते हैं कितने अच्छी तरीके से टमाटर पक गया है, घी बिल्कुल अलग सा हो गया है, आप देख सकते हैं। अब इसमें जो पेस्ट बनाया था ना वो डाल देंगे, प्याज वाला, काजू वाला, अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद मिक्सी के जार में थोड़ा सा 1 कप के करीब पानी डाल करके और वो पानी को भी पैन में डाल देंगे इस तरीके से और अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे। आप देख सकते हैं बहुत ही क्रीमी सब्जी बन करके तैयार होती है। आप इसमें दम आलू भी बना सकते हैं, कोफ्ते के लिए भी ये ग्रेवी बना सकते हैं और दम आलू के लिए भी ग्रेवी बना सकते हैं। देखिए कितनी क्रीमी ग्रेवी बन करके तैयार हो रही है, बहुत ही टेस्टी बनती है और बहुत ही झटपट बनने वाली रेसिपी है। आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं कमेंट करें, आपके कमेंट का मुझे इंतज़ार रहता है। और आप लोग कहाँ कहाँ से मेरी वीडियो को देख रहे हैं प्लीज़ कमेंट करें। और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। हल्का सा उबलने देंगे, कसूरी मेथी डालेंगे, थोड़ी सी चीनी डालेंगे, गरम मसाला डालेंगे, मिक्स कर देंगे, अच्छी तरीके से उबाला जाने देंगे ग्रेवी में। आप देख सकते हैं उबाला गया है, मुझे नमक थोड़ा सा कम लगा था इसलिए मैंने थोड़ा सा नमक भी डाला है। अब इसमें 1/4 कप के करीब क्रीम डालेंगे, क्रीम डाल करके बहुत ही क्रीमी बनती है। अगर आपके पास क्रीम नहीं है तो आप जो घर की मलाई होती है वो भी डाल सकते हैं, अच्छी तरीके से फेंट करके। अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद 2 से 3 मिनट तक एकदम स्लो हीट पर ग्रेवी को पकाना है ढक करके। और ये देख सकते हैं आप कितनी अच्छी ग्रेवी बन करके तैयार हो गई है। अब इसमें पनीर के पीसेस डाल देंगे, जो पनीर, और आप देख सकते हैं मैंने टिश्यू पेपर के भी रखे थे ना, तो सारा ऑयल टिश्यू पेपर ने सोख लिया है। अब पनीर डालने के बाद अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे और ये देखिए थोड़ा सा ढक करके पकाएंगे 1 से 1.5 मिनट तक, जिससे कि पनीर में ग्रेवी का फ्लेवर आ जाए। ये देख सकते हैं कितनी क्रीमी पनीर की सब्जी बन करके तैयार हो गई है, आप देख सकते हैं। अब इस पे ऊपर से थोड़ा सा हरा धनिया डालेंगे और ये सब्जी सर्व करने के लिए तैयार हो गई। ऊपर से थोड़ी सी क्रीम सी गार्निशिंग कर देंगे, ये देख सकते हैं इस तरीके से बहुत ही यमी सब्जी बन करके तैयार होती है। रोटी के साथ, पराठे के साथ, पूड़ी के साथ, नान के साथ, सभी के साथ बहुत ही अच्छी लगती है। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें और इसके ऊपर एक छौंक लगाएंगे। ये ज़रूरी नहीं है, ये केवल अच्छा लगता है देखने में, इसलिए थोड़ा सा मक्खन डाला है और लाल मिर्च पाउडर डाला है, जो कश्मीरी लाल मिर्च होती है ना वो डाली है, और थोड़ा सा ऑयल डाला है। हल्का सा गर्म करेंगे, बहुत ज़्यादा जलाना नहीं है, नहीं तो जो ऑयल का कलर है, मक्खन का कलर है, वो ख़राब हो जाएगा। ऊपर से डाल देंगे, ये देख सकते हैं कितनी यमी लग रही है ना पनीर की सब्जी, बहुत ही टेस्टी बनी है।
और आप लोग को वीडियो कैसी लगी कमेंट जरूर करें। आपके कमेंट का मुझे इंतज़ार रहता है। बाय बाय, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।